हमारा हक मांग दे, नहीं किसी से भीख मांग दे। हम हमारा हक मांग दे, नहीं किसी से भीख मांग दे। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, आईटी यूनियन जिंदाबाद, आईटी यूनियन जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत अपनी कलम की शक्ति दिखाओ, अशोक गहलोत अपनी कलम की ताकत दिखाओ, अशोक गहलोत अपनी कलम की ताकत दिखाओ, अशोक गहलोत अपनी कलम की ताकत दिखाओ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम हमारा हक मांग दे, नहीं किसी से भीख मांग दे। हम हमारा हक मांग दे, नहीं किसी से भीख मांग दे। नमस्कार साथियों, आज यहाँ पे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के विद्यार्थी आए हुए हैं। आज हम इनको पूछेंगे कि इनकी मुख्य मांगे क्या है और आज ये यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम सुरेश है और मैं जयपुर से हूँ और आज हम यहाँ पर अम्पला है, हम आईटी यूनियन से है। हमारी ये डिमांड है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार कंप्यूटर की जो भर्ती आई है, कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आई है, जो उसका एग्ज़ाम लगा था 18 जून 2022 को, उसमें लगा हुआ 10,157 पोस्ट थी, वो पूरी भरी नहीं गई है। जो इसका रिजल्ट आ चुका है, लगभग 7,000 पोस्ट है, जो मतलब है हर एग्ज़ाम में भर्ती बोर्ड ये करता है कि 2 गुना भर्ती को पास करता है, लेकिन इसमें पेपर इतना हाई लेवल का आता है, इतना टफ आया था, इसमें नेट के, गेट के, इसरो साइंटिस्ट लेवल तक के क्वेश्चन आए थे। इस वजह से बच्चे कई क्वेश्चन का सोल्व नहीं कर पाए थे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी 1/3, जिस चक्कर में भी कई बच्चे मतलब ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए। और जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 40% और 35%, वो भी बच्चे मतलब क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और लगभग 3 से 4 हज़ार हम कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है हरिप्रसाद शर्मा जी, उनसे भी मिलने गए थे, उन्होंने मतलब बोला लगभग 4 से 5 हज़ार पोस्टें खाली जा रही है हर कैटेगरी की। जो मिनिमम क्राइटेरिया है 35 से 40%, वो बच्चों से क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। और बहुत बच्चे हैं जो 1 नंबर से 2 नंबर से पॉइंटों में कई बच्चे मतलब रह रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हमारी यही डिमांड है, यही मांग है कि जो 40% का और 35% का मिनिमम का क्राइटेरिया है उसको थोड़ा कम किया जाए, उसमें शिथिलता दी जाए और बेरोजगारों की मांगों को पूरा किया जाए। और हम मतलब गहलोत जी के साथ हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारी मांगें पूरी करें और जो भी बेरोजगार मतलब बंदे हैं उनको मतलब जो शिथिलता देकर वो पूरी पोस्टें भरी जाए। हमारी यही डिमांड है, चाहे से 1 नंबर कम किया जाए या 2 नंबर कम किया जाए। और इसके लिए मतलब यहाँ पर धरना देने के लिए, विरोध करने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, ज्ञापन देने के लिए हम पूरे राजस्थान से यहाँ पर लोग आए हैं और यही हमारी डिमांड है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत अपनी कलम की ताकत दिखाओ, ताकत दिखाओ, अशोक गहलोत अपनी कलम की ताकत दिखाओ, ताकत दिखाओ, ताकत दिखाओ। देखो यहाँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और यहाँ सभी बंधु कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे शामिल हुए हैं। सबकी एक ही मांग है कि सारे के सारे जो पद हैं, 10,157 पद है, उनको भरा जाए। जैसा कि बोर्ड ने रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसमें लगभग 7,000, वो अभी डेटा आया है 7,000, लेकिन उसमें भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में काफ़ी स्टूडेंट्स में दिक्कत आने वाली है, तो उसको शिथिलता देकर जितने पूरे पद हैं, हमारी डिमांड यही है कि 10,157 पदों को पूरा भरा जाए, चाहे उसके लिए कितनी भी शिथिलता देनी पड़े, उसी की यही हमारी मेन मांग है। और उसके लिए सारे बंधु अलग अलग जिलों से यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सारे इसी के लिए अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं। धन्यवाद। और जब जब युवा बोला है राष्ट्रासन डोला है, जब जब युवा बोला है राष्ट्रासन डोला है। देखिए, मेरा नाम मयंक कुमार शर्मा है, मैं पहले पेपर में 54 नंबर प्राप्त कर रहा है, दूसरे पेपर में मेरे को 39.9306 नंबर, 0.1 नंबर से मुझे बाहर किया गया है। तो जो जिस तरह का पेपर आया था, जो नेट और गेट लेवल का पेपर था, उसके बावजूद 11 क्वेश्चंस में सरकार की गलती इसमें दर्ज की गई है। जब सरकार 11 क्वेश्चंस में अपनी गलती को स्वीकार करती है और उन्होंने आंसर को चेंज किया है, 4 क्वेश्चंस को डिलीट किया है, तो जितने भी बच्चे हैं जो इस 2800 पे ग्रेड की भर्ती में लग रहे थे, उनसे 5400 पे ग्रेड के ऊपर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए। और इस भर्ती के अंदर 10,157 पद जो बाकी रह गए, में से जो पद बाकी रह गए हैं, उन्हें भरना चाहिए। और हमारी यही मांग है कि शिथिलता दे के जितने बच्चों को इस उसमें भर्ती में आ सकते हैं, उन्हें आना चाहिए। बस धन्यवाद। तो आज मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं, काफ़ी अलग अलग जिलों के, इसमें मेन एक TSP क्षेत्र के भी मतलब काफ़ी सारी सीटें इसमें खाली है,
लगभग 888 सीटें टीएसपी क्षेत्र की थी, उनमें से लगभग 198 सीटें ही भरी गई है, बाकी सारी सीटें टीएसपी क्षेत्र की खाली है। तो मैं भी सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि इनको शिथिलता देकर सारी सीटें भरी जाए। धन्यवाद, कैमरामैन आशीष के साथ रितेश कुमार धाकर। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।